शिक्षक शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम मिशन प्रेरणा की जो प्रेरणा तालिका है उसमें अपने इसके पहले वाले 5 वीडियो जो लगातार प्रेरणा तालिका के हैं उसमें आपने देखा तो जाना है कि जो प्रेरणा तालिका में गणित की क्या अपेक्षाएँ कक्षा से की जाती है। तो मिशन प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश एक प्रेरपदिक के रूप में स्थापित हो रहा है उसमें प्रेरणा तालिका अब हिंदी की बात करता है कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से देखेंगे। जैसे आपने प्रेरणा तालिका की जो गणित के संदर्भ में तालिका देखी उसमें आपने देखा कक्षा 1 में 14 तालिकाओं की 14 अपेक्षाएँ थी, 2 के लिए 14 अपेक्षाएँ थी, 3 के लिए 14 अपेक्षाएँ थी गणित में, लेकिन 4, 5 के लिए 16 अपेक्षाएँ थी। इसको भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो प्रेरणा तालिका में आप यहाँ आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आप देखते हैं कि कक्षा 1 में कितनी अपेक्षाएँ कक्षा के विद्यार्थियों से रखते हैं जो प्रेरणा तालिका के अंतर्गत। तो आइए कक्षा 1 की प्रेरणा तालिका को देखते हैं। तो इसमें जो पहला आता है ग्रेड पहला है कि ग्रेड 1 स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन करते हुए सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ इसमें है सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना, जो पहला है। इसके 2 अंग हैं, पहला सुनना और समझना प्रतिक्रिया देना, ये कक्षा 1 के विद्यार्थी का पहला प्रेरणा तालिका का भाग है जिसके 2 तालिकाओं में 2 उप भाग हैं, जिसमें पहले में कि ग्रेड 1 यानी जो कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लायक है उस स्तर की जो कहानियां हैं और कविताओं का वो आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है या लेती है। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि आदर्श वाचन होते हुए, न कि आदर्श वाचन करना कक्षा 1 के विद्यार्थी से, ये आशा की जा रही है कि वो जो आदर्श वाचन पढ़ा गया शिक्षक के द्वारा या किसी और के द्वारा उस आदर्श वाचन को वो सुन लें और सुन करके उसको जो सुन रहे हैं तो सुन करके उसको दोहरा लें, उसको समझ लें। दूसरा स्टेप इसमें है कि जो ग्रेड 1 स्तर के पाठ का ग्रेड स्तर के पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं कि जो 1 स्तर की कहानियां हैं पाठ हैं सुनाए गए थे उनका पाठों को जो सुना था विद्यार्थी ने उसको सुनने के बाद वह उसका उत्तर भी प्रत्यक्ष रूप से दे सके। उसके बाद दूसरा जो इसका भाग है वह मौखिक प्रश्नावली का भाग है। मौखिक प्रश्नावली में एक भाग आता है कि रोज़मर्रा के परिवेश में जो दैनिक जीवन के परिवेश में जहां वो रहता है उसमें सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों चीज़ों जानवरों के नाम बता सकता है या बता सकती है, यानी परिचित चित्र पहचान कर संज्ञाएँ व क्रिया शब्द को बता लेना। जैसे घोड़ा दौड़ने वाला घोड़े दौड़ते हुए घोड़े का चित्र बना हुआ है तो बच्चा देखे तो बता दे कि ये घोड़ा दौड़ता है या दौड़ रहा है, तो घोड़ा है और दौड़ रहा है, तो संज्ञा बता ले क्रिया बता ले जो उसके आसपास हो रही है। तो उसमें तीसरा जो चौथा भाग इसका है उसमें मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन की बात है कि मौखिक अभिव्यक्त कैसे करे और उसका वर्णन कैसे करे। तो इसके 2 उपभाग प्रेरणा तालिका में कक्षा 1 की भाषा हिंदी के संदर्भ में रखे गए हैं कि खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं विद्यार्थी। खुद के बारे में यानी 6 साल का विद्यार्थी माना जाता है कि कक्षा 1 में है, तो वह खुद के बारे में और साधारण स्थितियों के बारे में वो घर की भाषा में बात करें, उससे आप खड़ी बोली या इस तरह की विद्यालय की भाषा अंग्रेजी भाषा ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो घर की बोलचाल की भाषा है उसमें बात करें। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन का जो दूसरा भाग है यानी जो 5वें तालिका का जो 5वां बिंदु है उसमें है वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता है या बोल सकती है। इसके बाद वस्तुओं का वर्णन करना यानी कोई चीज़ कैसी है, उसको तुमको क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो बालक कहेगा आइसक्रीम अच्छी लगती है, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, मीठी होती है, तो इस तरह से बताएगा। उसके बाद जो कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी की प्रेरणा तालिका है उसका अगला भाग है प्रथम ध्वनि की पहचान। प्रथम ध्वनि पहचान का मतलब है परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि इकाई ध्वनि को पहचान सकता है पहचान सकती है। जो परिचित शब्द हैं उसकी प्रथम ध्वनि, जैसे उसमें क कहा गया तो क से वो अगर कबूतर जानता है तो उसके आधार पर वह पहचान ले कि क्या कहा जा रहा है। उसके बाद वर्ण पहचान,
कक्षा एक से यह आशा की जाती है प्रेरणा तालिका के सातवें बिंदु पर वहाँ हिंदी में कि वह ग्रेड वन यानी जो कक्षा एक का पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो सभी वर्ण हैं जो सभी अक्षर हैं उनको वह पहचान ले। उसके बाद शब्द पहचानना या पढ़ने की बात है तो ये आठवें तालिका के बिंदु में कक्षा एक के विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सिखाए गए वर्णों अक्षरों को यानी तीन तक वर्ण या अक्षरों से बने परिचित शब्दों को उचित गति के साथ शुद्धता के साथ पढ़ सकता है या पढ़ सकती है। इसके बाद जो नौवां बिंदु इसका आता है यह है ग्रेड एक में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों को तीन तक के वर्ण या अक्षरों से बने जो हैं तो उन अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। अपरिचित शब्द जैसे वो विद्यालय में गया तो बहुत सारे शब्द उसको ऐसे मिलेंगे जो उसको परिचय में नहीं थे, उसके परिचित नहीं थे। अब उसके बाद अगले खंड में जो उसमें आशा की जाती है प्रेरणा तालिका में कि वह मौखिक पठन प्रवाह उसका कैसा है तो कक्षा एक के विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वह 4 से 5 वाक्यों के एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ ले। 4 से देखिए आप कविताओं को देखेंगे कक्षा एक की तो उसमें 4 से 5 वाक्य ही उठो सवेरा या जो भी मिलता है पाठ आपको उसको देखेंगे तो 4 से 5 होगा। जैसे इसके बाद आप चलें तो 11वें बिंदु पर जो है यह पढ़कर समझने के अंतर्गत आएगा प्रेरणा तालिका का जिसमें ग्रेड एक के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है या पढ़ सकती ही की बात आता है। ये आप दिखाएंगे 1 से 30 तक के विद्यार्थियों के लिए कि ये 30 तक कालम आपके सामने बना है तभी इसे प्रेरणा तालिका कहा जाता है। इसमें इसी बिंदु पर रोल नंबर 1 से रोल नंबर 30 तक क्या स्थिति रही है, 1 से लेकर के 30 तक क्या स्थिति रही है। उसके बाद 12वें बिंदु पर आप देखेंगे पढ़कर समझने में तो पाठ में से अस्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल सकता है या बता सकता है। जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब लड़की का नाम क्या है जबकि पाठ में लिखा है लड़की का नाम शांति है, तो जब लड़की का नाम शांति लिखा है तो वो पढ़ा है और आप पूछ रहे हैं तो समझ रहा है कि आप इसमें पूछे हैं तो वो पता ले जाएगा। उसके बाद लेखन के संदर्भ में 2 अपेक्षाएँ की जाती है कक्षा एक से केवल प्रेरणा तालिका में कि सरल परिचित शब्द लिख लेता है या लिख लेती हैं जिसमें 2 या 3 अक्षर हों। ध्यान दीजिएगा यही से प्रश्न महानिदेशक का निदेशक शिक्षा के कार्यालय से जो फोन कॉल आ रहे हैं पूछे जा सकते हैं कि सरल परिचित शब्द लिख लेता है या लिख लेते हैं कितने का जिसमें 2 या 3 अक्षर हों। इसका जो 14वां बिंदु है लेखन के संदर्भ में ही आता है तालिका का बिंदु, वह है चित्र पात्र या घटना का विवरण देने के लिए वो शब्द लिख सकता है या लिख सकती हैं। जो चित्र देख रहा है या जो पाठ देख रहा है या जो घटना उसके सामने दिख रही है उसका विवरण देने के लिए वो शब्द लिख सके कि क्या है। जैसे आइसक्रीम खाया तो आइसक्रीमो लिख सके, शब्द लिख सके इतना ही पर्याप्त है। उसने बकरी देखा तो बकरी को लिख सके। तो इस तरह से अपने प्रेरणा तालिका में आज के इस वीडियो के अंक में जो हिंदी भाषा में प्रेरणा तालिका का अपेक्षाएँ की जा रही मिशन प्रेरणा में उसको देखा हमने समझा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।